आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए फोटो की एडिटिंग कैसे करना है, प्रॉपर साइज में कैसे उसको कंप्रेस करना है, और ये सारी चीज करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ये चीज मिनटों में कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरोहण में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। पटवारी भर्ती परीक्षा फॉर्म में जो फोटो लगनी है उसको एडिट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो कैसे एडिट करना है, क्या स्पेसिफिकेशंस दी है व्यापम ने उसके लिए। तो सबसे पहले हम व्यापम के द्वारा दिए गए सैंपल इमेज फॉर्मेट को देखेंगे और उसमें जो क्राइटेरिया मेंशन किया है उन्होंने उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये इमेज फॉर्मेट है, यहाँ पे हमारी फोटो रहेगी, देन फोटो के नीचे हमारा सिग्नेचर, फिर नाम और उसके नीचे थंब इम्प्रेशन रहना है। तो ये सारी चीजें एक फोटो में ही रखनी है हमको, और उसके साथ साथ इसका साइज भी हमको मेंटेन करना है बिटवीन 40 KB टू 50 KB के बीच में, इस फाइल साइज को हमको मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए हम चलेंगे सीधे व्यापम की साइट में, जहां पर हम पटवारी परीक्षा फॉर्म के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वहां से फोटो के वाले पोर्शन पे सीधे जंप करेंगे। चलिए अब यहाँ पर फोटो कैसे प्रिपेयर करना है अपना इस फॉर्म में सबमिशन के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए एमएस साइज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 40 to 50 KB मिनिमम साइज भी है 40 KB और मैक्सिमम साइज भी है 50 KB। ये हम अभी देखेंगे कि इसको कैसे करना है। इन्होंने जो स्टैंडर्ड तरीका दिया है उसके हिसाब से हमको सबसे पहले ये इमेज फॉर्मेट डाउनलोड करना है। तो चलिए पहले ये डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि क्या करना है। ये हमने इमेज फॉर्मेट डाउनलोड वाली लिंक पे क्लिक किया, PDF फॉर्मेट खुल गया। अब जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफ इन पासपोर्ट साइज 3.5 cm x 4.5 cm, आपका जो स्टैंडर्ड साइज रहता है फोटोग्राफ का वो फोटोग्राफ यहाँ पे रखना है। देन इस सेक्शन में आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है और ये आपका थंब इम्प्रेशन के लिए जगह दिया है, और इसका साइज़ इन्होंने लिखा हुआ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साथ में 40 KB से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का इनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड तरीका दिया है, आपको पहले प्रिंट लेना है, प्रिंट लेकर के इसमें अपने फोटो को चिपकाना है, यहाँ सिग्नेचर करना है, यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगाना है, और फिर आपको ये स्कैन करना है 40 to 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में, और देन आपको इसको फॉर्म में यहाँ पर से चूज फाइल करके अपलोड करना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसमें परेशानी होगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका एक आसान तरीका अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। मैं बेसिकली करने ये वाला हूँ कि मैं आपको इस जो बॉक्स का है इसका एग्जैक्ट डायमेंशन मेजर करके बता दूंगा यहाँ पर कि आपको कितने साइज का बॉक्स की ज़रूरत है। उस बॉक्स को आप किसी भी प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए और उस पर अपने फ़ोटो को पेस्ट कर लीजिए, या रख दीजिए, या थोड़ा सा गम लगा के रख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, नाम लिख दीजिए और थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए। उसके बाद आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, उतने सेक्शन को क्रॉप कर लीजिए और उसके बाद आप उसको सिंपली यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन वाला जो पेज है वो दिखा देता हूँ, जो मैंने डायमेंशन नोट डाउन करके रखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो हैंड ड्रॉन इमेज फॉर्मेट है जो हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये फोटो के लिए ये जगह दी हुई है, फोटो के लिए इस जगह का डायमेंशन जो है वो 3.5 cm विड्थ में है और हाइट में है 4.5 cm, जो कि पासपोर्ट साइज का स्टैंडर्ड साइज है वो। और ये फिर सिग्नेचर के लिए बॉक्स है जिसका साइज है 1.4 cm, आपको इतना वाइड रखना है और जो इतनी हाइट रखनी है, विड्थ तो इसकी ऑब्वियसली 3.5 cm थ्रू आउट रहेगी और आपको ये हाइट 1.4 cm की यहाँ पर है। नेम के लिए एग्जैक्टली 1.4 cm की हाइट है और थंब इम्प्रेशन के लिए 2.4 cm की हाइट यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये इमेज फॉर्मेट, और
जो व्यापम का दिया हुआ इमेज फॉर्मेट है, ये वाला इमेज फॉर्मेट, ये इमेज फॉर्मेट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये एग्जैक्ट इमेज भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन दोनों का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ डायमेंशन की जरूरत है तो आप सिर्फ डायमेंशन यहां से लेकर के देख सकते हैं। ये आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करोगे, इस सेक्शन में अपना फोटो आप सिर्फ रख दो, आपको चिपकाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, नाम क्लियरली लिखना, हो सके तो कैपिटल लेटर्स में लिखना, कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना, जिससे क्लियर रहे नाम और हॉच पॉच ना हो, प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह मेंटेन करके लिखिएगा अच्छे से। और ये थंब इम्प्रेशन है यार, थंब इम्प्रेशन में इन्होंने जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, लेफ्ट राइट बोलने से मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि इन्होंने ये लिखा हुआ था, हस्ताक्षर एवं बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान, तो बाएँ हाथ में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ, तो जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आंसर के लिए मैं गूगल के पास चले जाता हूँ, तो ये इन्होंने बताया कि ये लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड होता है। तो बस आपको वही करना है, सिग्नेचर, नेम, थंब इंप्रेशन, फोटो रखना है। और जब आप फोटो खींचोगे तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेपर जो है वो किसी फ्लैट सर्फेस पे हो, और अपने मोबाइल का फ्लैश ऑफ़ कर दीजिएगा। फ्लैश ऑफ़ करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फ़ोटो होती है वो फ़ोटो पेपर शाइनी होता है, तो अगर आप फ्लैश ऑन रखोगे तो मे बी चांसेस ये हैं कि आपका फ़ोटो चमक जाए, रिफ्लेक्शन आ जाए उसमें और फ़ोटो क्लियर ना हो। तो आप फ़ोटो खींचते समय फ्लैश ऑफ़ कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा नेचुरल लाइट रहे उस लाइट पे और आपके हाथ की शेडो ना पड़े उस पे, तो ऐसा पोजीशन आप चेक करके। और फोटो खींचते समय आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो पेपर रखा है वो फ्लैट सरफेस पे रखा हो और आपका फ़ोन बिल्कुल उसके पैरलर हो, ताकि ऐसे ऊपर नीचे वाली कोई इमेज ना आए, वो आप ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो पैरलर हो। ये देखिए, ये एज के पैरलर ये है और ये भी इसके पैलर है, तो आपको फोटो बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है। ये फोटो भी मैंने मोबाइल से ही क्लिक करी है, तो आप वैसे ही खींच लीजिएगा। फोटो खींचने के बाद आप अपने फोटो सिग्नेचर नेम और थंब का इंप्रेशन लगाने के बाद फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने के बाद अपने फोन पे क्रॉप करना है तो फोन पे ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये आप विंडोज 10 अगर यूज कर रहे होंगे तो एडिट एंड क्रिएट पे क्लिक करने से, एडिट पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो इस पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, क्रॉप एंड रोटेट, क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। आप ये ड्रैग डाउन करके इसको एग्जैक्टली इतने पोर्शन को आपको इसमें सिर्फ छोड़ना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हटा देनी है। तो आपको सिर्फ जो काम के पोर्शन है सिर्फ उतने को ही रखना है, जिसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, नेम, ये फ़ोटो की जगह, ये सिग्नेचर, ये नेम और ये थंब इम्प्रेशन, इतना रहेगा। आप इसको सेव कर लोगे आपके पास फ़ोन पे, अगर आप एडिट नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर पेंट है, मैंने आपको CGPSC के अप्लाई करने वाले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे यूज़ करते हैं पेंट में, क्रॉपिंग कैसे करते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई बटन का लिंक आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप जा करके भी देख सकते हैं। यहाँ से आप क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करने के बाद अभी जैसे मैंने क्रॉप इसको नहीं किया हुआ है इस पे देखें तो इसका जो साइज़ है, मैं आपको फाइल साइज़ बाद में दिखा दूंगा, जब मैंने फ़ोटो खींची तो फाइल साइज़ थी 955 KB, मतलब ऑलमोस्ट 1 MB के पास पहुंच गई है, तो फाइल साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, हमको 40-50 के बीच में चाहिए। तो हम इसको जैसे ही इसका एरिया छोटा हो जाएगा, इसको क्रॉप कर लेंगे अपन अगर ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा वैसे ही इसका जो फाइल साइज़ है वो वैसे ही छोटा हो जाएगा। तो आप पहले क्रॉप कर लें अपनी फ़ोटो वगैरह रख के, इसको दोबारा फ़ोटो खींचे, फ़ोटो साइन सिग्नेचर थंब करने के बाद फिर इसको प्रॉपर तरीके से क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद ये देखिए, ये क्रॉप हो गया, मैं आपको फ़ोटो लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, आप वो कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे इतना। तो आप यहाँ पे सेव अ कॉपी कर लीजिएगा, ये कॉपी एक सेव हो गई है। सेविंग अ कॉपी मैंने इसलिए किया क्योंकि जो ओरिजिनल फाइल है वो बची रहे, आप भी ऐसा कर लीजिएगा, आपके पास ओरिजिनल फाइल रहे, ताकि कुछ चेंजेस करने हो तो आपके पास रॉ डेटा रहे एटलीस्ट, तो आप वापस से कुछ गलती होती तो वापस से उस पर जाके उसको दोबारा से करेक्ट कर सके। तो ये फाइल अपनी आ गई है। अब अगर हम इस पर देखें इसका साइज़ कितना बनता है, जैसे मैंने आपको बताया बिना क्रॉप किए हुए उसकी साइज़ थी
955 KB, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 118 KB का हो गया है। ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा जब आपके फोटो और सिग्नेचर के साथ रहेगा, क्योंकि उसमें डेटा कंटेंट ज्यादा रहेगा। ये ब्लैंक है इसलिए ये अपने आप ही कम हो गया, मगर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी फाइल साइज आएगा अप्रोक्सीमेटली 300-500 के बीच आना चाहिए वो फाइल साइज, जैसा कि मोस्ट मोबाइल्स में आजकल जो हम फोटो खींचते हैं उसका जो रिजोल्यूशन रहता है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, 300-500 KB के आसपास रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इस इमेज को आपने जो क्रॉप करके बनाई हुई है इसको आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ करना है। ओपन विथ करना है आपको किसके साथ ओपन करना है, वो आप इसे पेंट के साथ ओपन करना है। ये देखिए हम इसको पेंट के साथ ये ओपन कर लेते हैं। पेंट के साथ जैसे ही ओपन करेंगे ये पेंट के साथ ओपन हो गया। देखिए अपने एक्चुअल इमेज पिक्सल साइज़ जो है इसका मैं आपको दिखाऊं, अगर ये नीचे वाले सेक्शन पे आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए 528x1526 पिक्सल और ये साइज़ दिख रहा है 118.4 KB। तो ये दोनों दिया हुआ है यहाँ पे साइज़ इसका, ये एक्चुअल अपने पिक्सल साइज़ में है इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा है। तो हम ये व्यू वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से जाके जूम आउट कर लेंगे तो हमको ये पूरा इमेज फाइल दिखने लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको अब छोटा करने का प्रोसेस करेंगे। आपके पास अगर 400 KB की भी फाइल है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको करना वही प्रोसेस है। आप एक ही बार में कंप्रेस मत करिएगा, उससे क्या होगा आपकी जो टेक्स्ट जो राइटिंग रहेगी जो आप लिखते रहोगे मतलब आपका नाम आपका सिग्नेचर वो पिक्सलेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आप होम पे जाइए, होम पे जाके रिसाइज पे क्लिक करिए, रिसाइज पे जाके ये देखिए परसेंटेज ये पिक्सल दिया है। तो हम पिक्सल के कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, हम परसेंटेज में ही रहेंगे, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ध्यान रखिए कि ये जो चेकबॉक्स है दैट इज़ मेंटेन आस्पेक्ट रेशियो, ये आपको अनचेक नहीं करना है ना, ये आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये आपका आस्पेक्ट रेशियो, आस्पेक्ट रेशियो मतलब हाइट और विड्थ का रेशियो जो रहता है, उन दोनों के बीच जो रिलेशन है, ये विड्थ और ये हाइट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विड्थ और हाइट के बीच में ये मेंटेन करके रखता है, उनका रिलेशन जैसा है। तो अगर हम उसको हटा देंगे तो वो चपटा हो जाएगा, वो ओरिजिनल नहीं दिखेगा, जैसा हमने खींचा है फोटो वैसा नहीं दिखेगा। इसलिए ये आपको चेक्ड रहना ज़रूरी है, इसको अनचेक मत करिएगा कभी भी। देन अभी अब चलते हैं, देखिए ये 118 KB की फाइल है हमारी, तो हम इस पे इसको 50% रिड्यूस करके देखते हैं और देखते हैं फाइल साइज़ क्या बनता है। तो ये देखिए मैंने इसको 50% किया, क्योंकि आस्पेक्ट रेशियो के चेकबॉक्स को मैंने हटाया नहीं है इसलिए ऑटोमेटिकली दोनों 50 हो गया। अब हम इसको, ये परसेंटेज है इसलिए मैंने 50% किया, मैं होप कर रहा हूँ कि ये 60 KB के आसपास आएगा, हो सकता है उससे थोड़ा कम भी आए, जनरली पेंट में ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं, ये ओके क्लिक करने पे ये साइज़ छोटा हो गया, उस जो साइज़ था उससे 50% हो गया। इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं, आप ये बड़ा करके देख लीजिएगा कहीं जो फोटो और सिग्नेचर आपने जो रखा हुआ है वो पिक्सलेट तो नहीं हो रहा है। तो अगर वैसा होगा तो आप फिर से एक बार उसको कम कंप्रेस करिए, जो मैंने 50% किया आप उसको 80% कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद फिर से जब 80% से आप दोबारा जब जाओगे, जैसे अभी मैंने ये 50% कंप्रेस कर लिया, अब इसका साइज़ चेक कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा जो बोल रहा था। तो ये अभी तो पुरानी साइज़ ही शो कर रहा है इसमें, जो पिक्सल साइज़ है वो बस बदल दिया है, लेकिन जो डिस्क की साइज़ है जो KB में दिखा रहा है इस फाइल की साइज़ वो सेम है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया, तो हम इसको डायरेक्टली उसी के ऊपर ये सेव बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ पे हमने फाइल सेव की थी स्टार्टिंग में क्रॉप करने के बाद एग्जैक्टली वहीं पे ये फिर से सेव हो गया। अब देखिए ये 59.4 KB है, मतलब जस्ट हाफ हो गया है, 130 के आसपास था वहाँ से हाफ होके, एग्जैक्टली हाफ नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम हुआ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये 60 KB करीब चला गया। अब देखिए हमको हमारे लिमिट से 40 और 50 के बीच में आना है तो थोड़ा सा और कंप्रेस करना पड़ेगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका पिक्सलेट हो गया होगा तो आप उसको पहले 80% में कंप्रेस कर लीजिएगा, 80% करने के बाद दोबारा से रिसाइज पे जाओगे, जैसा कि हम अभी जा रहे हैं इसको 59 KB से छोटा करने के लिए। तो ये देखिए ये फिर से 100% है, अब इसके लिए नया 100% ये हो गया है, ये पिक्सल साइज़ ये नया 100%, ये साइज़ इसके लिए नया 100%। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसके हिसाब से। अब आप दोबारा से फिर से 40-50% पर मत जाइएगा, अब इसको आप 20-30% छोटा कीजिए, जैसे उस पर पिछले सिनारियों पर जो दूसरा सिनारियो मैं आपको बता रहा था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब यहाँ पे 60 KB है, 60 KB के हिसाब से हम इसको ऐसा कंप्रेस करें, ऐसे परसेंटेज कम करें कि ये अप्रॉक्सीमेटली 40-50 KB के बीच
आ जाए। कोशिश करते हैं इसको 15% रिड्यूस करने का, देखते हैं। ये हमने इसको 15% रिड्यूस करने का मतलब 100 में से 15 माइनस किए तो अपने पास बच जाएगा 85%। तो 85% पे करके देखते हैं कितना साइज आता है। ये हमने ओके किया, ये थोड़ा और छोटा हो गया, ये देखिए पिक्सल साइज और छोटा हो गया। अब हम इसको फिर से सेव कर देंगे। सेव करने पे ये देखिए सेव हो रहा है। सेव होने पे ये दोबारा से साइज अपडेट करेगा। ये आप साइज देख रहे हैं, ये कंप्रेस कर लिया है, सेव कर लिया है उसको कंप्रेस करके। अब देखिए ये फाइल साइज क्या दिखा रहा है, 47.7 KB। 47.7 KB मतलब ये हमारे लिए आइडियल साइज है। अब इसको जहाँ पे सेव किए हैं उस लोकेशन पे जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये एग्जैक्ट फाइल है हमारी। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये फाइल इन्फो पे जाएंगे। फाइल इन्फो पे जाने पे देखिए 47.7 KB, तो ये आइडियल साइज है। ये सारा एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आपको अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होती है इस चीज़ को करने में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, हम लोग डेफिनेटली उसका वापस से आपको रिप्लाई करेंगे। आपका फ़ोटो एडिट हो गया। अब इस फोटो को आप क्या करेंगे, आपको सिंपली जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसको अपलोड कर देना है। फोटो की एडिटिंग करने के बाद वापस एप्लीकेशन में आ करके आप इस सेक्शन पे ब्राउज बटन, चूज फाइल पे क्लिक करके ब्राउज बटन सेलेक्ट कर लेंगे और वहां से आपने जहां पे भी इमेज सेव की है उस जगह पे जाकर के इमेज को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तब फिर जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लोगे, पाथ दे दोगे सिस्टम को, तब आप क्या करोगे, आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे। अपलोड इमेज पे क्लिक करते ही एक मैसेज आता है, आप यहाँ पे जैसे यस सेलेक्ट करोगे फोटो का प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये लिखा है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नेम और थंब इम्प्रेशन, तो आप यहाँ पे अपने फोटो का प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।